हाय फ्रेंड्स, रिसेंटली इट वाज ऑल ओवर द न्यूज कि मुंबई में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खुला पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पॉड होटल. सो आई डिसाइडेड टू टेक अ चैलेंज एंड स्पेंड अ डे एट दिस पॉड. कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, उसके लिए वीडियो एंड तक देखिएगा. लेट्स बिगिन. हाय गाइस, मैं हूँ मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे. मैं दिल्ली से मुंबई वापस आ गई हूँ. नहीं, आज नहीं आई हूँ, पहले आ गई थी, लेकिन आज यहाँ पे एक चैलेंज, एक शूट करने के लिए आई हूँ. यू नो, मुंबई में अगर आप आए हैं और आपको ट्रेन पकड़नी है और 6-7 घंटे वेटिंग करनी है अगली ट्रेन पकड़ने के लिए, और आपको स्टेशन पे ही टाइम बिताना है, तो आप लोग थोड़ा घबरा जाओगे ना, क्योंकि आपको आसपास का माहौल दिखाती हूँ क्या होता है. जनरली इस तरीके से लोग बेंच पे बैठे होते हैं या फिर वेटिंग रूम्स होते हैं स्टेशन पर, वहाँ पे वेट करते हैं. लेकिन अब मुंबई हो गई है अपग्रेड, मुंबई सेंट्रल स्टेशन हो गया है अपग्रेड, क्योंकि यहाँ इसे मिल गया है अपना खुद का एक पॉड होटल. दैट्स राइट, वो देखो दूर ऊपर आपको दिख रहा है अर्बन पॉड, IRCTC पॉड होटल. इसकी बुकिंग करने के लिए आपके पास वैलिड इंडियन रेलवेज का टिकट होना चाहिए, या फिर आपके पास लोकल मुंबई का भी ट्रेन टिकट हो सकता है, किसी भी मुंबई के स्टेशन का ट्रेन टिकट हो सकता है, तभी आप यहाँ पर अपना पॉड बुक कर पाओगे. प्लेटफॉर्म टिकट नहीं चलेगा. मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मुंबई के किसी रेलवे स्टेशन पे वर्ल्ड क्लास पॉड होटल रहने को मिल सकता है पैसेंजर्स को. आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड चेक इट आउट. आर यू? चलो आ जाओ. Wow, guys, this looks so amazing. फ्रेंड्स, स्टेशन पे जनरली जब लेओवर होता है तो 12 आवर्स की विंडो होती है, या फिर 24 आवर्स भी हो सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे दो टाइप के बुकिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं, इधर 12 आवर्स और 24 आवर्स. मैंने 12 घंटे वाला स्लॉट चूज़ किया है, तो थोड़ा टाइम पास करेंगे, पॉड में रहेंगे, कुछ कुछ चीज़ें करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को एक्सपीरियंस करेंगे. व्हाट से, शुड आई चेक इन नाउ? फ्रेंड्स, दिस इज़ द चेक इन काउंटर. बाकी सब होटल्स की तरह यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं. आपको फॉर्म फिल करने होंगे, अपने आईडी प्रूफ देने होंगे, अपना टिकट दिखाना होगा, और उसके बाद मिलेगी आपको अपने पॉड की, रूम की नहीं, पॉड की. चले, पहला स्टेप है शूज़ उतारना, बिकॉज यहाँ पे नो फूड एंड नो शूज़. सो गाइज, दिस इज़ द शू एरिया जहाँ पे मैं अपने शूज़ उतारने वाली हूँ. ये देखिए, यहाँ पर शूज के लिए इस तरीके से सारे लॉकर्स दिए हैं. दिस इज माइन. चाबी लगा के खुल गया. चलते हैं पॉड में. फ्रेंड्स, अपने 12 घंटे के चेक इन के लिए मैं अपने साथ अपना लगेज लेकर आई हूँ, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप इसे यहीं पर, जो शू एरिया है वहाँ लॉकर्स हैं, वहाँ स्टोर कर सकते हैं अपने बैग को, अगर आपको इसमें से कोई सामान नहीं चाहिए. वरना मेरी तरह, जो कि बहुत ही पोजेसिव है अपने बैग के बारे में, इसे अपने साथ अपने पॉड में भी लेकर जा सकते हैं, जहाँ पे इसको स्टोर करने की जगह मिल जाएगी. कार्ड से मुझे एक्सेस मिला एंड नाइस, दिस लुक्स लाइक द सिटिंग एंड द लाउंज एरिया. ओ, ये देखो पॉड्स यहां से शुरू हो गए, बट आई डोंट थिंक दिस इज द लेडीज सेक्शन. ये मुझे जनरल सेक्शन लग रहा है. लेडीज सेक्शन देखते हैं कहां है. आई थिंक दिस इज द लेडीज सेक्शन. ओ हाय, ये है मेरा पॉड. मैं अपने एक्चुअल पॉड में चेक इन कर गई. दिस इज हाउ यू चेक इन इनटू अ पॉड. यार,
लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी कि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर किसी प्रॉपर्टी के अंदर हूँ, या फिर यू नो ये पॉड जो है वो रेलवे स्टेशन के अंदर है। इतना यहाँ पे शांति है और इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून लग रहा है। वाओ यार, 12 घंटे तो यहाँ पे किसी भी पैसेंजर के एकदम ऐसे कट जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट मी शो यू इनसाइड कि इस पॉड में रहने पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। ये देखो, ये है एक डिस्पोजेबल टाल, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि इतने कम टाइम के लिए आपको टाल मिल रहा है यूज़ करने के लिए अगर आपको शार करना है। देन ब्लैंकेट है, और देर इज़ अ पिलो, प्लस यहाँ पर मुझे टीवी दिख रहा है ऊपर, विच इज़ नाइस टाइम पास करने के लिए। इतने छोटे से पॉड के अंदर टीवी भी है, और ये है हेडफोन्स। ऑब्वियसली टीवी आप बिना हेडफोन्स के नहीं देख सकते हो, आजू बाजू वाले पॉड में जो और लोग हैं वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसीलिए इन्हें लगाना इज सुपर इम्पॉर्टेंट। देन आई शो यू द पैनल। यहाँ पे एक सेफ्टी लॉकर दिया है आपका सामान रखने के लिए, आपके वैल्यूएबल्स। देयर इज अ पावर सॉकेट चार्जिंग के लिए, लाइट्स के लिए, देन एयर आउटलेट, USB के लिए पोर्ट है, हेडफोन प्लग, डोर लॉक, दिस इज द कार्ड, और ये लाइट्स के बटन है। ओह, DND का साइन भी है, और ये मिरर है। लड़कियों के लिए मिरर कितना इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? और यहाँ से एयर की सर्कुलेशन हो रही है, विच इज सुपर्ब। अरे सूटकेस तो अंदर रखा ही नहीं, सूटकेस मैंने यहाँ रास्ते में ही छोड़ दिया। ये रहा मेरा लॉकर, एंड माई सूटकेस गोज इन, आ जाएगा ना। ये क्या है? ओह, देयर्स अ चेंजिंग रूम हियर, नाइस। पॉड में रहते हुए टाइम पास करने के लिए इंसान क्या करेगा? सबसे पहली चीज, अपने लैपटॉप पे काम खत्म कर सकता है, इसीलिए मैं अभी अपना लैपटॉप लेकर आई हूँ, थोड़ा काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद लंच का इंतजाम करेंगे। सी यू इन सम टाइम। सो फ्रेंड्स, मैंने काफी सारा काम खत्म कर लिया, मुझे भूख लग गई है, और खाने का यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि अंदर तो खाना अलाउड है नहीं, इसीलिए नीचे जाना पड़ेगा। IRCTC की कैंटीन है, काफी सारे और फूड जॉइंट्स हैं वहां खाना खाने के लिए। And I did not know there were more people staying in. Hi. आप लोग खाना खा के आ रहे हो? हाँ, कैसा था? अच्छा है खाना? Yeah, it was okay. Yeah. Okay. Not that great. Let's see खाना कैसा है। Come. मैं जा रही हूँ सीधा फूड ट्रैक करके, मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा IRCTC का जॉइंट दिख रहा है जहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ये देखो, दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हम कुछ खाएंगे। कम। ओ वाओ, काफ़ी वैरायटी है यार यहाँ तो, पूरी थाली वाली मील्स, छोले भटूरे। किसी और के गाइस, देखो मैंने लंच में क्या ऑर्डर किया है। दूसरे का देख के मेरे को भी छोले भटूरे खाने का मन कर गया। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं रेलवे स्टेशन के इस रेस्टोरेंट में बैठकर छोले भटूरे ऑर्डर करूँगी, वो भी दिल्ली से आने के बाद। बट ठीक है, कई बार मन हो जाता है। काफ़ी बड़े बड़े मुंबई स्टाइल भटूरे हैं, कितना खा पाऊँगी पता नहीं। स्टार्ट करती हूँ, भूख तो लग गई है। लेट्स ईट, देखें कैसा है यहाँ का खाना। नॉट बैड एट ऑल, नाइस यार। इट्स रियली गुड। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा खाना होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, लंच डन, गोइंग बैक टू माय पॉड नाउ। हाँ, वॉक करना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, थोड़ा दूर है,
लेकिन क्या हो गया, खाना ही पच जाएगा इस बहाने। हर चीज़ में पॉजिटिव देखना चाहिए, कोई बात नहीं। वैसे मुझे तो ना यहाँ पे खड़े होके स्टेशन पे ट्रेन देखने में ही बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इतने टाइम बाद मैं रेलवे स्टेशन पर आई हूँ और ट्रेन मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। यू नो, दिल्ली और मुंबई के जो ट्रिप्स थे पहले शुरू में, जब मैं मुंबई आई थी, मैं हमेशा राजधानी या फिर अगस्त क्रांति से जाती थी। और मुंबई सेंट्रल जो ये रेलवे स्टेशन है, ये मेरा बहुत ही प्रिय रेलवे स्टेशन था, क्योंकि हमेशा यहीं से मैं ट्रेन पकड़ती थी। इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम पे मेरे भाई को भी मैंने यहीं से ही रवाना किया था, अगर आप लोगों को याद हो। सो या, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज टू मी। I am back inside Urban Pod IRCTC Hotel और मुझे एक बार फिर अपने जूते उतारने पड़ेंगे। लेकिन पता है क्या है, शूज़ उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अंदर सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन सैनिटाइज्ड है। सो शूज़ पहन के ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना अगर अंदर जाएंगे। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है बार बार जूते पहनना उतारना, बट इट्स टोटली वर्थ इट। लेट मी टेक ऑफ माई शूज़ एंड देन गो इनसाइड एंड यूज़ द वॉशरूम वंस। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज द वॉशिंग एरिया। यहाँ पे 3 वॉश बेसिन्स हैं, मुझे अपने हाथ धोने हैं छोले भटूरे खाने के बाद। जितना मर्जी हाथ धो लो, फिर भी ऐसी फीलिंग आती है कि हाथ चिपचिप है। एंड फ्रेंड्स, अब जरा वॉशरूम चेक कर लें। देखो, मैं अपने सॉक्स में ही घूम रही हूँ, जूते नहीं पहने, चप्पल भी नहीं पहनी, अंदर अलाउड ही नहीं है। तो आई होप वॉशरूम नीट एंड क्लीन हो, पानी तो ना हो किसी भी तरीके से, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। And this is a very very nice spick and span clean ekdam sukha hua washroom. I am so glad, seriously. So zara let me use their facility. See you in a bit. And now let's watch some TV. Kya bolte ho? By the way friends, I'm very curious to know कि अगर आप लोगों को मेरी तरह पॉड में अकेले रह के कुछ मी टाइम मिलता और यू नो कुछ घंटे मिलते अकेले स्पेंड करने के लिए, तो आप लोग कौन सी सीरीज बिंज वॉच करते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आई वुड लव टू नो। अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे अपना टाइम पास कैसे करना है और मैं क्या देखने वाली हूँ। इस पॉड का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। द बेड इज सो नाइस एंड सॉफ्ट, इट इज एक्सट्रीमली कोजी एंड कंफर्टेबल। थोड़ी देर टीवी देखा, पर पता नहीं ये पॉड का माहौल ही कुछ ऐसा है कि मुझे नींद आ रही है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, अब आई हूँ तो पॉड में रिलैक्स करने का भी तो मज़ा देखूँ ना कैसा होता है। क्या बोलते हो? सो ये बिछाते हैं हम अपना ब्लैंकेट, विच रिमाइंड्स मी ऑफ जो हमें राजधानी और शताब्दी में और यू नो अगस्त क्रांति में मिलते हैं ब्लैंकेट ट्रेन वाले। इसे ओढ़ते हैं और थोड़ा सो जाते हैं। वाओ, दिस इज रियली नाइस एंड कम्फी, हाँ, दिस होल सेटअप। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉड है ना, ये काफ़ी स्पेशियस, बड़ा है और कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल पॉड्स। क्योंकि यहाँ के जो मैनेजर हैं वो मुझे बता रहे थे कि इसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो उन पॉड्स से काफ़ी बड़ा है, और थोड़ा भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत कन्फाइंड स्पेस में हो या बहुत कम जगह में आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। इट्स प्रिटी डिसेंटली यू नो स्पेशियस प्लेस। सो इस चीज़ की तो चिंता किसी को भी नहीं होनी चाहिए, और मुझे जिसको थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है उसे यहाँ पे अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो आई थिंक किसी को भी यहाँ पे कंफर्टेबल लगेगा। सो थम्स अप टू दैट। ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब आराम कर लेती हूँ थोड़ा। गुड इवनिंग गाइज, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। देखो, अगर दिन में इतनी अच्छी नींद आ सकती है तो रात में भी बहुत अच्छी नींद आएगी। सो अगर आप लोग पॉड होटल में आने का सोच रहे हो या एक्सपीरियंस करने का सोच रहे हो, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। प्यास लग रही है बहुत ज़ोर की। मेरे पास है अपनी एक छोटी सी पानी की बॉटल, जिसे मुझे लगता है मैं पूरा ख़त्म कर दूँगी। एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी आपको अपने आप लेके आना पड़ेगा। आपकी पानी की बॉटल ये लोग रीफिल कर देंगे, बट दे विल नॉट प्रोवाइड यू विद एनी वाटर बॉटल। सो मेक श्योर कि आपके पास कम से कम एक पानी की बॉटल है।
नींद खोलने के लिए आपको पता है मुझे क्या करना है, चाय। चाय वाला रेलवे स्टेशन की चाय पियेंगे, चले। सो गाइज, पॉड की दुनिया से निकल के मैं बाहर स्टेशन की दुनिया में आ गई हूँ। मैं भूल ही गई थी कि मैं मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर एक पॉड में आराम कर रही थी। हाउ फनी इज़ दैट। बट पॉड का मतलब ही यही होता है, एक छोटा सा कन्फाइंड स्पेस, सेक्लूडेड स्पेस, विच इज़ योर मी टाइम, जहाँ पे आप दुनिया से एकदम कट ऑफ हो के जो आपका मन करे वो कर सकते हो। बाय द वे, स्टेशन का हुलिया एकदम बदल गया है, देखो कितनी भीड़ हो गई है, बहुत सारी मेजर ट्रेन्स के आने का टाइम हो गया है और मेरी चाय का टाइम हो गया है, तो चलिए चाय ढूंढते हैं, चाय पी के आते हैं। यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है चाय कहाँ पर मिलेगी, एक जगह बताइए मुझे कि यहाँ चाय मिल जाएगी। लेट्स सी, इनके पास चाय है क्या? अरे कुछ तो पी रहे हैं लोग। भैया ये शायद चाय है, ये चाय है, ये चाय है ना, ये चाहिए। चाहिए नहीं, क्या ये नहीं है, मशीन वाली है? ओ, टी बैग वाली चाय है। मुझे तो लगा कि स्टेशन पे वो चाय 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 ऐसा वाला जो होता है कंटेनर, उसी में ही चिल्लाते हैं। भैया ने पोपट कर दिया। चलिए ठीक है, चाय की बहुत जोर की ऐसी तलब लग रही है, एक मशीन वाली चाय दे दीजिए। डिप डिप वाली चाय पीऊंगी आज मैं। गाइस, सोचा नहीं था कभी कि बिना ट्रेन में ट्रैवल किए इंडियन रेलवेज की चाय पीऊंगी मैं। भाई वाह, एकदम राजधानी ट्रेन की याद आ गई। उसके अंदर शाम को जो चाय मिलती है ना, ये वैसी ही चाय है बिल्कुल। ये देखो फ्रेंड, राजधानी ट्रेन में लोडिंग हो रही है, ये दिल्ली जाएगी। मैं भी वापस दिल्ली चली जाऊंगी, मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। मैं जा रही हूँ पॉड होटल में वापस, उसका एक्सपीरियंस लेने आई हूँ और आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रेन के बीच में टाइम मिल रहा है, आपका ले ओवर है, तो पॉड होटल में रहने का एक्सपीरियंस कैसा होगा। सो लेट्स गो बैक एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एट मुंबई सेंट्रल स्टेशन। चलो फ्रेंड्स, चाय पी के आके मेरा पॉड में अंदर जाके बैठने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे इस लाउंज एरिया में, कॉमन एरिया में आके थोड़ी सी बुक रीडिंग करूँ। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू चेक आउट नाउ। सारा सामान समेट लेते हैं। फ्रेंड्स, इंडियंस अभी भी ना पॉड होटल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को लेके कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं खुद पॉड होटल को एक्सपीरियंस करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा। सो लेट मी गिव फुल मार्क्स टू दिस एक्सपीरियंस। इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल इन द प्राइस दैट यू पे फॉर दिस होटल। सो 799 में फॉर 12 आवर्स एंड 999 में 24 आवर्स के लिए आप अर्बन पॉड IRCTC के इस होटल को बुक कर सकते हैं। तो अब मैं अपना सामान उठा के अपनी अगली ट्रेन पकड़ती हूँ और चलती हूँ सीधा घर की तरफ। अगर आपको इस पूरे वेंचर के बारे में और बाकी सारी और डिटेल्स चाहिए, यहाँ पे और कौन से टाइप के पॉड्स हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो डू चेक इट आउट। ऑलराइट, दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गर्मास गुड लाइफ। आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।